सो वेल गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए इटरेशन हमारे एवेंजर्स टीम की, जहां पे हम बात करेंगे हमारे यंग एवेंजर्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मार्वल स्टूडियोज़ है वो यंग एवेंजर्स के लिए एक बेस तैयार कर रहा है, ताकि आगे जाकर वो यंग एवेंजर्स पर एक डेब्यू बना सके। और हमारे ख्याल से हम यंग एवेंजर्स को जितनी जल्दी देखना चाह रहे थे उससे भी जल्दी देख पाएंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यंग एवेंजर्स प्री डेवलपमेंट में चल रही हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें यंग एवेंजर्स के बारे में कितना कुछ पता है, उससे रिलेटेड सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो आप यंग एवेंजर्स के बारे में बहुत सारी वेबसाइट से बहुत सारा मैटर सुनने होंगे, बट ये जो रिपोर्ट्स आई ये ओरिजिनली हेल हुई हैं हमारे गीक वर्ल्ड वाइड के सीनियर एडिटर थॉमस प्यूलिडो से, और उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इट साउंड्स लाइक मार्वल स्टूडियोज इज गियरिंग अप टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम राइडर्स फॉर यंग एवेंजर्स। और अगर आप मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि केविन फाइजी ये पहले ही कह चुके हैं कि हमारे एमसीयू के नेक्स्ट 5 ईयर्स सेटअप हो चुके हैं। और यहाँ से उनका मतलब ये था कि सारे टीवी शोज और जितनी भी मूवीज़ हैं वो फाइनली सेटअप कर दी गई हैं। 2019 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में उन्होंने न्यू एवेंजर्स टीम का नाम लिया था, बट हमें यंग एवेंजर्स न्यू एवेंजर्स से पहले देखने को मिलेगी, क्योंकि न्यू एवेंजर्स लाने से पहले हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और हमारे यंग एवेंजर्स के लिए हमारे पास मोस्ट ऑफ द टीम है जो कि ऑलरेडी रिवील्ड हो चुकी है। उनमें से कुछ को हम एवेंजर्स एंड गेम में देख चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है हमारी कैसी लैंग, द डॉटर ऑफ स्कॉट लैंग। और कॉमिक्स में हमारी कैसी लैंग यंग एवेंजर्स का पार्ट रह चुकी है एज स्टैचर, और कैसी लैंग और स्टैच के पास हमारी एंट मैन और वास्प दोनों की पावर्स हैं। वो साइज में बड़ी और छोटी हो सकती है। उसका हेलमेट उसको ये एबिलिटी देता है कि वो 5000 डिफरेंट स्पीशीज से कम्युनिकेट कर सकती है। साथ ही साथ उसके पास फ्लाइट एबिलिटी भी है, बट हमें ये सेटअप एंटमैन 3 में देखने को मिलने वाला है। रिसेंट एंटमैन 3 का कुछ प्लॉट हमारे पास आया था, जिसमें हमें ये बताया गया कि हमारे जो कैसी लैंग है वो जा रही होती है हमारे एवेंजर्स को ज्वाइन करने, बट स्कॉट लैंग उसको रोकता है ज्वाइन करने से। सो हम ये होप कर रहे हैं कि एंटमैन 3 में हमें ये दिखाया जाएगा कि होप और स्कॉट टीच करेंगे कैसी को कि कैसे एक सुपर हीरो बना जाता है। बट कैसी के अलावा भी ऐसे और भी कैरेक्टर्स हमें एवेंजर्स एंडगेम में दिखाए गए जो कि यंग एवेंजर्स का पार्ट बन सकते हैं, जैसे कि हार्ली केनर, जो कि एक काफ़ी छोटा बच्चा है और उसने आयरन मैन 3 में अपना बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और एवेंजर्स एंड गेम में हमें वो टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में दिखाया भी गया। और ये आप सभी जानते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मार्वल हर छोटी चीज़ जो दिखाता है उसके पीछे भी एक बेसिक सेंस होता है। सो यहाँ पे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आयरन लैड बनेगा हमारी यंग एवेंजर्स की टीम में। इसके बाद आती है हमारी केट बिशप, जो कि ओरिजिनली कंफर्म हो चुका है कि वो उनका अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है हमारे हॉकआई की सीरीज में। और इस सीरीज में हमारा जो हॉकआई है वो ट्रेन करता हुआ दिखाया जाएगा केट बिशप को, जो कि ओरिजिनल हॉकआई का मेंटल ले पाए। और कॉमिक्स में केट बिशप ने अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यंग एवेंजर्स की टीम में। सो हमारा जो हॉकआई है वो केट बिशप को यंग एवेंजर्स की टीम के लिए ही मोस्ट प्रोबेबली प्रिपेयर कर रहा होगा। और इसके बाद हमारी मिस मार्वल हैं हमारे पास, जो कि डिज्नी प्लस में हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली हैं। कॉमिक्स की अगर बात करें तो मिस मार्वल ने अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यंग एवेंजर्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने एवेंजर्स को लीड किया है। और हमारे पास 2 नए डिज्नी प्लस के शोज हैं, और वो दोनों ही हमारे 2 नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वांडा विजन की सीरीज में हमें 2 ट्विन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो होने वाले हैं विकेंस और स्पीड। और कॉमिक्स में इन दोनों का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। सो मैंने अभी आपको जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, ये सभी लाइनअप हैं हमारी यंग एवेंजर्स टीम के लिए। सो आप क्या सोचते हैं यंग एवेंजर्स के बारे में, या फिर आप कितना एक्साइटेड हैं यंग एवेंजर्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप डिज्नी प्लस के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर हमारी यंग एवेंजर्स के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।